नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे बिलासपुर से बड़ी खबर की। बिलासपुर में चलती कार में अचानक से भीषण आग लग गई। पति पत्नी ने चलती कार से कूदकर बचाई अपनी जान। बिलासपुर कोरबा नेशनल हाईवे के बगदेवा बॉर्डर पर हादसा हुआ। कोरबा से बिलासपुर जा रहे थे कार में सवार दंपति और इसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। देखिए तस्वीरें भी, बिलासपुर का पूरा मामला है। चलती कार में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते आग पूरी कार में फैल गई है। कार के आगे के हिस्से में आग लगी थी। पति पत्नी ने चलती कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। बिलासपुर कोरबा नेशनल हाईवे के बगदेवा बॉर्डर पर यह हादसा हुआ है। कोरबा से बिलासपुर जा रहे थे कार में सवार दंपति और इसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अब चूंकि गर्मी के दिन है और गर्मी के दिनों में देखा जाता है कि गाड़ियों में आगजनी की जो घटनाएं होती हैं वो बहुत तेजी से बढ़ने लगी हैं और ऐसे ही कुछ मामला यहाँ पर भी सामने आया है, जहाँ पर या तो हीट के कारण गाड़ियों में आग लग जाती है या तो फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से भी आग लगने की बात कही जाती है। ऐसे ही कुछ मामला बिलासपुर में संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, चलती कार में अचानक से आग लग गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? सभी लोग सुरक्षित हैं? देखिए, कोरबा से ये दंपत्ति जो है वो बिलासपुर किसी निजी काम के चलते आ रहे थे। इसी दौरान जो रतनपुर थाना क्षेत्र के कोरबा नेशनल हाईवे है, जो बिलासपुर कोरबा नेशनल हाईवे पर बगदेवा बॉर्डर है, वहां पर अचानक इंजन से आग की लपटें निकलने लगी, जिसको देखकर दंपत्ति परिवार जो है वो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से कूदा और देखते ही देखते जो कार है वो पूरी तरीके से धू धू कर जलने लगी। आसपास के लोगों ने वहां पर जो स्थानीय जो लोग थे वो वहां पर पहुंचे और ये देख कोशिश कर रहे थे कि कोई और तो उस कार के भीतर नहीं है ताकि उसको बचाया जा सके। हालांकि दंपत्ति परिवार पहले ही कूद चुका था कार से बाहर और इसको जैसे ही जानकारी आसपास के लोगों को लगी तो उन्होंने दमकल को सूचना दी। मौके पर दमकल पहुंची हुई है और आग पर लगभग काबू पा लिया गया है, लेकिन एक बड़ी घटना जो है वो टली है और निश्चित रूप से जैसे ही गर्मी का जो सीजन आता है तो इस तरह की घटनाएं जो है वो निकल कर सामने आती है और इसी तरीके की एक जो घटना है वो बिलासपुर कोरबा नेशनल हाईवे में देखने को मिली थी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको मेरी तमाम जानकारी के लिए। तो ये देखिए कि हाईवे पर ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, जहां पति पत्नी ने हालांकि तुरंत उतर गए वो गाड़ी से और उनकी जान बच गई है। एक बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, ना ही किसी को चोट आई है और ये कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। और इसी बीच एक बड़ी खबर, जहां केजरीवाल को अंतरिम जमानत, केजरीवाल को 1 जून तक जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है। आज रात तिहाड़ से रिहा हो सकते हैं केजरीवाल और अब वे जो चुनावी प्रचार प्रसार है उसमें जुट जाएंगे। और 25 मई को अब चूंकि वोटिंग होनी है और अगले जो भी चरण है उसमें प्रचार प्रसार कर सकते हैं केजरीवाल। 1 जून तक उनको जमानत मिली है। 2 जून को उन्हें खुद ही सरेंडर करना होगा सुप्रीम कोर्ट से। ये एक बहुत बड़ी राहत ना सिर्फ केजरीवाल के लिए बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी के लिए ये राहत की बात है। अब जो अभी तक उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल लगातार चुनावी प्रचार कर रही थी, जनसभाएं कर रही थी, लेकिन अब केजरीवाल के आ जाने से एक नई ऊर्जा का प्रवाह होगा पूरी आम आदमी पार्टी में और एक संबल मिलेगा, मजबूती मिलेगी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी का और अभी तक ये तिहाड़ जेल में बंद थे। दरअसल शराब नीति केस के चलते इन्हें ईडी ने इनकी गिरफ्तारी की है और ये लगातार तिहाड़ जेल में अपनी जो सजा है वो काट रहे थे और अब चूंकि जमानत याचिका लगाई गई थी कि इलेक्शन का टाइम है और उसमें जमानत मिलनी चाहिए ताकि वो प्रचार कर सके पार्टी के लिए और अब उन्हें जमानत मिल गई है। मौखिक ऑर्डर कोर्ट ने प्रनाउंस किया, उसमें कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की। खुद ही सरेंडर करना होगा और आज रात वे तिहाड़ जेल से रिहा हो सकते हैं। 25 मई को दिल्ली में वोटिंग है और इसकी तैयारियां अब केजरीवाल करने वाले। रतलाम में कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने अजीबोगरीब बयान दिया है, ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक जनसभा में कहा कि हर महिला के खाते में
1,00,000 भेजने का काम कांग्रेस सरकार करेगी और इसकी जिसकी 2 बीवियां हैं उसको 2,00,000 रुपए दिए जाएंगे। भूरिया के बयान का समर्थन करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि आपके जो भावी सांसद हैं भूरिया जी, इन्होंने अभी बहुत भयंकर घोषणा कर दी, जिसकी 2 पत्नियां हैं उसको डबल। भावी सांसद भूरिया जी, जिन्होंने घोषणा बहुत भयंकर कर दी है बिहार कि जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल, जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। और अब कांतिलाल भूरिया के बयान पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी बयान पर पलटवार किया है। कांतिलाल भूरिया जी ने सारी स्कीम खोल दी कांग्रेस पार्टी की, बता दिया कि जो महिलाओं को तथाकथित रूप से उनके सम्मान के लिए गारंटी दी जा रही थी वो सम्मान नहीं, महिलाओं को वस्तु और सामान की तरह देखने की गारंटी है। और किस प्रकार से वोट बैंक को जितनी आबादी बढ़ा दोगे उतना हक देने की गारंटी है, क्योंकि कांतिलाल भूरिया जी कहते हैं कि यदि आपकी 1 शादी हुई है तो 1,00,000 रुपए मिलेंगे, यदि आपकी 2 पत्नियां हैं तो 2,00,000 मिलेंगे। मतलब कि संदेश ये दिया जा रहा है, डॉग विसल जिसे ये कहते हैं, कि अधिक से अधिक शादी कीजिए और अधिक से अधिक पत्नियां रखेंगे तो अधिक से अधिक 1,00,000 रुपए का लाभ मिलेगा। ये कितनी अपमानजनक सोच है महिलाओं के प्रति। बार बार कांग्रेस की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं कि अगर आपके ज्यादा बीवियां ज्यादा बच्चे तो आपको ज्यादा पैसा ज्यादा संसाधन दिए जाएंगे, क्या कांग्रेस इसी विचार पे चल रही है? अच्छा है, यानी मुसलमान को 3 शादी है तो 3,00,000 देंगे, ये देंगे कहां से? इटली से ला के देंगे क्या? आज तक तो दिया नहीं। दादी जी ने कह गई थी इंदिरा जी आधी रोटी खाएंगे, ये लोग कहे इंदिरा जी को जिताएंगे। आज झूठी घोषणा कर जिनकी विश्वसनीयता ही समाप्त हो चुकी है उनके वादे पर क्या कहना। तो वही बीजेपी ने कांतिलाल भूरिया के बयान पर तंज कसा। बीजेपी से राज्यसभा सांसद माया नारोलिया का बयान है कि कांग्रेस नेता महिलाओं को अपमानित करने वाले बयान देते हैं। जीतू पटवारी के बयान के बाद महिलाओं में आक्रोश था। चुनाव में महिला शक्ति कांग्रेस को दे रही है जवाब। कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता आए दिनों महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं को 1,00,000 रुपए देने की का प्रावधान है और जिनकी 2 पत्नियां हों उनको हम 2,00,000 रुपए देंगे। हम कांतिलाल भूरिया के इस घोर अमर्यादित बयान की निंदा करते हैं और पूरी मातृशक्ति मैदान में उतरकर देवी शक्ति का रूप धारण करके इस अमानवीय बयान की का बदला लेगी। और जीतू पटवारी जी ने भी पिछले दिनों माननीय इमरती देवी के खिलाफ जो अमर्यादित शब्द बोले थे उसका भी मातृशक्ति ने पुरजोर विरोध किया था। कांतिलाल भूरिया के 2 पत्नियों के बयान पर सियासी हलचल तेज हो गई है। खंडवा में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता महिलाओं के विरोध में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। 50% आबादी अब इन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी और 4 जून को जवाब जनता देगी। चुनावी रण में 4थे चरण में मतदान से पहले वार पलटवार का दौर जारी है। कांतिलाल भूरिया के एक बयान ने प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ा दी है। प्रदेश भाजपा की प्रवक्ता नेहा बग्गा खंडवा पहुंची है, बयान को किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता महिला विरोधी है और कांग्रेस की आदत में शुमार हो गया है महिलाओं का मानसिक शारीरिक इस प्रकार का शोषण। चंद दिन पहले कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी महिला में चाशनी ढूंढ रहे थे। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ महिला को आइटम कह के संबोधित करते हैं। दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह महिला को अपनी ही पार्टी की टंचमाल कहते हैं। और जिस प्रकार की शब्दावली, जिस प्रकार का आचरण कांग्रेस पार्टी का है, ये 50% की जो आबादी है वो स्वीकार नहीं करेगी। और बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से जो इनकी सोच है, जो इनका विचार है, जो इनका आचरण है, उसका जवाब 4 जून को ये जनता देगी। बिल्कुल, तो ये नेहा बग्गा जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि
कांतिलाल भूरिया ने जो बयान दिया है उसको लेकर बीजेपी लगातार आंदोलनरत रहेगी। वहीं उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर भी कटाक्ष किए। अमित जायसवाल, न्यूज 18, खंडवा। और अब बात करेंगे नोटा की। जी हां, इंदौर में नोटा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ कांग्रेस का नोटा प्रचार अभियान लगातार जारी है, दूसरी तरफ बीजेपी ने नोटा के विरोध में राजवाड़ा के सामने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने जमकर नारे दिए और कहा कि कांग्रेस का सिक्का निकला खोटा, क्यों बटन दबाए नोटा क्यों। अब बीजेपी के प्रदर्शन के खिलाफ आज शाम पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मौन जुलूस निकालेगी। हम जाने माने राजवाड़ा के सामने मौजूद हैं। ये इंदौर का राजवाड़ा जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, और ठीक पीछे इस वक्त आप कुछ लोग को देख रहे हैं, ये बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के लोग हैं और जो नोटा के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इंदौर में बीजेपी वर्सेस नोटा की लड़ाई चल रही है, इनसे बातचीत करेंगे। कांग्रेस लोगों से अपील कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकले और नोटा पर बटन दबाएं, क्योंकि अक्षय कांति बम ने उन्हें धोखा दिया है। देखो, कांग्रेस तो खुद के निशान पर वोट डालने पर लोग वोट नहीं देते उन्हें, तो नोटा पे कहां से देंगे। आप जानते हैं कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में क्या बनी हुई है। जो कांग्रेस अपने खुद के लिए प्रचार प्रसार करती तो जनता उनको खुद वोट नहीं देती, तो नोटा में कहां से देगी। हम तो ये तो सिर्फ लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हम जनता से अपील कर रहे हैं कि राष्ट्र हित में मतदान अवश्य करें और राष्ट्रीय पार्टी के लिए करें, जो देश के लिए सोचती है ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दे। और जो बोल रहे कि खोटा है खोटा, तो जब तुम्हारी सिक्का खोटा तो फिर काय का नोटा नोटा। हमारे पास आके तो और भारतीय जनता पार्टी तो सोने जैसी पार्टी है, सोने जैसे लोग है। इंदौर रिकॉर्ड बनाएगा सबसे ज्यादा मतों से जीत कर? निश्चित रूप से इंदौर रिकॉर्ड बनाएगा, क्योंकि पिछले वर्षों से हर सफाई से लेकर विधानसभा चुनाव से लेकर पार्षद चुनाव में रिकॉर्ड बनाया, तो निश्चित रूप से सांसद भी हमारे लाखों वोटों से इंदौर से विजयी होंगे। कांग्रेस के बाद बीजेपी ने मैदान संभाल लिया है और कांग्रेस के नोटा का जो इस वक्त अभियान चल रहा है उसके विरोध में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18, इंदौर। इंदौर में अक्षय कांति बम के नामांकन पत्र के वापस लेने के बाद से प्रदेश की सियासत में नोटा का नाम मुद्दा छिड़ गया है। जी हां, अब कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन से वर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता को नोटा का चमत्कार करना चाहिए। इस तरह की घटनाओं से जिनका मन उद्वेलित है, जो अपनी आंखों के सामने लोकतंत्र की हत्या होते हुए देख रहे हैं, उनके मन में तो कहीं ना कहीं नोटा का प्रभाव जरूर आ रहा है और इस नोटा का चमत्कार एक बार जनता ने करना चाहिए। बड़वानी में दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के दावों पर पलटवार किया। उनकी माने तो चुनाव में बीजेपी 200 सीट से पार भी हो जाए तो गरिमत है। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेताओं के बेल पर रहने के सीएम के बयान पर कहा कि झूठे केस में सजा हुई और जमानत पर है, कांग्रेसी किसी से डरते नहीं। नारे तो कई लगाते हैं, देखिए 200 पार करने तो गनीमत है। मैं कोई जेल में तो नहीं हूँ, एक झूठे केस में जरूर मुझे सजा हुई, उसमें बेल पे हूँ, लेकिन बात ये हम डरने वाले थोड़ी ना है। मनीष शंकर अय्यर के पाकिस्तान वाले बयान पर अमित शाह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज मनीष शंकर अय्यर देश को धमकी दे रहे हैं, बाकी पाकिस्तान को सम्मान दीजिए, उनके पास एटम बम है। शाह ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस वालों को कहना चाहता हूं कि पीओके का इंच इंच जमीन भारत का है और भारत का ही रहेगा। आज मणिशंकर अय्यर हमें धमकी दे रहे हैं, देश को धमकी दे रहे हैं, पाकिस्तान को सम्मान दीजिए, उनके पास एटॉमिक बॉम्ब है। कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला इंडी अलायंस के नेता कहते हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटॉमिक बॉम्ब है। मैं कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस वालों को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता, भारत से कोई नहीं छीन सकता। भाइयों बहनों, ये पाकिस्तान के पास से पाक ऑक्यूपाई कश्मीर लाने की जगह कांग्रेस पार्टी एटम बम की बात कर भारत की जनता को डरा रही। मुझे मालूम नहीं है
एक कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है। हमारी संसद ने सर्वानुमत से प्रस्ताव पारित किया है, संसद का स्टैंड है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, और आप आज पाकिस्तान के लिए एटम बॉम्ब की बात कर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर पीओके पर सवालिया निशान लगा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अपर है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की इंच इंच भूमि भारत की है और वो भारत में रहनी चाहिए, ये हमारा स्टैंड है। खरगोन के मंडलेश्वर में उम्मीदवार गजेंद्र सिंह पटेल के समर्थन में पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव के रोड शो में जनसैलाब उमड़ा। दोपहर में करीब 42 डिग्री तापमान में लोग सीएम का स्वागत करने उमड़े थे, और इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दावा किया कि रोड शो में भीड़ का सैलाब मोदी के प्रति जनता का प्यार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अंतिम चरण की सभी सीटों सहित प्रदेश की 29 ही सीटें जीतेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और जो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूरी ताकत झोंक दी अंतिम प्रचार के दौरान, और हमारे साथ खुद मोहन यादव जी मौजूद है। सर 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 आपको जिस प्रकार से बदलावर बदलावर से नागदा नागदा से उससे सर रोड शो के दौरान जो जनता का मोदी के प्रति प्रेम है, भाजपा के प्रति विश्वास है, यही कारण आप उसका सैलाब देख रहे हो सबके सामने। क्या लग रहा है सर अंतिम समय में पूरा आपने दम लगा दी, ताकत झोंक दी? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 29 की 29 सीटें हम जीत रहे हैं। क्या लग रहा है मध्यप्रदेश की 29 सीटों को लेके? 29 की 29 सीटें जीत रही भारतीय जनता पार्टी, आखिरी चरण का चुनाव है, हम सब जीत रहे हैं। सीएम यादव सीएम डॉक्टर मोहन यादव जिनका सीधा साफ कहना है कि रोड शो में जो सैलाब उमड़ा है, निश्चित ही 29 सीटों पर मध्यप्रदेश में भाजपा की जीत होने वाली है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18, खरगोन। वहीं मुरैना में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 4 किलोमीटर पीछा कर पकड़े गए अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली। वन विभाग की टीम को देख रेत माफिया ने फुल स्पीड में ट्रैक्टर दौड़ा दिया, आगे आगे ट्रैक्टर, पीछे पीछे वन विभाग की टीम। 4 किलोमीटर तक दौड़ चलती रही। क्यालारस थाना क्षेत्र के पहाड़गढ़ रोड पर वन विभाग की टीम के हाथ सफलता लगी। मुरैना माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक को छोड़कर फरार हो गए, और रेत माफिया के पीछे दौड़ती वन विभाग की टीम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली सहित एक बाइक को जब्त कर क्यालारस पुलिस ने थाने में रखा है। तो देखिए ये वीडियो सामने आया है जहां पर वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है, और टीम को देखकर जो तस्कर थे वो बहुत तेज रफ्तार में ट्रैक्टर दौड़ाने लगे, लेकिन फिर भी वन विभाग की टीम ने हार नहीं मानी, दौड़ा पीछे दौड़ पड़े और तकरीबन 4 किलोमीटर तेज रफ्तार में ट्रैक्टर दौड़ाने के बाद आखिरकार वन विभाग की टीम को सफलता हासिल हुई है और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया, और अब आगे की कार्रवाई हो रही है। बीजापुर से खबर है जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच चल रही मुठभेड़, जवानों और नक्सलियों के बीच फायरिंग लगातार जारी है। गंगालूर थाना क्षेत्र के पीडिया के जंगलों में मुठभेड़ चल रही है। डीआरजी सीआरपीएफ कोबरा एसटीएफ बस्तर फाइटर्स और बस्तरिया बटालियन के सैकड़ों जवान निकले हैं ऑपरेशन पर। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव ने इस बात की जानकारी दी है। आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में हिंदुओं की आबादी घटने के आंकड़े पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने चिंता जताई। विजय शर्मा ने कहा कि हिंदुओं के सहिष्णु होने के कारण ही यहां अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। हिंदुओं की संख्या कम होने से देश में अराजकता आ जाएगी। उन्होंने कहा कि ये बड़ा खतरा है, भारत पहले ही विभाजन का दंश झेल चुका है। होता है किसी भी स्थान के लिए हिंदुओं की सहिष्णुता मैं कहूं तो स्थापित होगी, ऐसा नहीं है, यह आदिकाल से ही पूरी दुनिया के सामने स्थापित है, उनकी सहिष्णुता स्थापित है।
और हिंदुओं की सहिष्णुता के कारण ही यहाँ सारा अल्पसंख्यक समुदाय फल फूल रहा है, हमको खुशी है। लेकिन हिंदुओं की संख्या कम हो जाए यह भी चिंता का विषय है। हिंदुओं की संख्या कम होने से देश में अराजकता आएगी, मैं यह भी कहना चाहूँ। 50% के लगभग जनसंख्या नहीं बढ़ सकती, सामान्यतः नहीं बढ़ सकती। अगर बढ़ी है तो कैसे बढ़ी है, कितना घुसपैठ हो गया है, इसको स्पष्ट करना होगा। किन किन क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है उसकी स्पष्टता पर जानी होगी, और उसके बाद वहाँ पर सारा जनमानस तैयार होना चाहिए इसके लिए। सबको समझना पड़ेगा इस बात को, और नहीं तो भारत ऐसे ही विभाजन के दंश ढेल चुका है और ये बहुत बड़ा खतरा है भारत। और यहां पर वक्त एक ब्रेक